निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का बुधवार को जनपद के शास्त्री चौक पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से वार्ता हुई है और निषाद समाज के लिए उचित मांग की गई है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को उचित स्थान देने के संबंध में भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वादा किया था निषाद समाज की सभी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन अब विश्वास है कि उनके आरक्षण देने की मांग पर केंद्र और प्रदेश सरकार गंभीर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए डॉक्टर संजय गए कि इनका जो आरक्षण का मुद्दा है 70 साल से सबने ठगा, किसी ने कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है, इनके प्रति अच्छा था, इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ ने कम से कम एक दर्जन बार इनको आरक्षण के मुद्दे को सदन में उठाया था। वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए सामाजिक न्याय समिति लगाई थी और उसमें लिखा है कि 23% आरक्षण में सबका है मजवार है। हम लोगों का आज का मुद्दा पिछड़ी जात के नाम से बर्बाद किया गया था, ये मुद्दा आज पहली बार है कि दिल्ली के सुप्रीम जो बैठते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिनके माध्यम से इनका मुद्दा हल हो सकता है, उस टेबल पर अमित शाह जी के, नड्डा साहब के और प्रधानमंत्री के जो सलाहकार थे उनके सामने कि भाई हम मझवार हैं, हम पिछड़ी जात नहीं हैं, हमारा नाम जबरदस्ती 1992 में पिछड़ी में डाल के बर्बाद किया गया। उन्होंने इस बात से सहमत हुए, इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। हमारे पार्टी का जन्म ही निषाद पार्टी का, इसलिए इनके मुद्दे सर हल हो। उनके 5 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा इनके आरक्षण का है कि हम इस देश को आज़ाद कराने वाले हैं, कानून से उजड़े हुए हैं, हमारा जो है कानून में सुरक्षा, जैसे चमार भाई का बेटा आज कानून से सुरक्षित है, उनके नेता की जरूरत नहीं है, वैसे इनका मझवार के नाम से केवट मल्ला का कानून से सुरक्षित है, इसके लिए काम हो रहा है। और ये दूसरा मुद्दा इनका है, ये लोग इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते पिछली सरकारों ने इनके ऊपर बहुत मुकदमे डाल रखे हैं, उस मुकदमे को वापस कराना था जो उजड़े हुए थे। तीसरा मुद्दा इनका था कि पिछली सरकारों ने ये जो सदियों से इनके तालघाट नदी इनके नाम से था, 2007 में इन्होंने हाथी बटन दबाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और बटन दबा के सरकार बनवाते ही अपना सब गंवा दिया। इनका जो जमीन था बहुजन समाज पार्टी ने छीन लिया था, उसी को इनके मुद्दे हैं। चौथा इनका मुद्दा ये था कि इनके लोगों के हाथ में पावर, कभी ये पावर में थे, आज के दिन में झउआ भर वोट पर पौआ का लेबी लगा दिया था और पौआ भर वोट पर पावर पार्टी का लेबी लगा के पावर में थे। इनका मतलब है कि हमें पावर मिलना चाहिए। एक इनका सलाह है, इनका सलाह है कि भाई धरती पावन धरती मच्छेदनाथ की है गोरखपुर, ये जो है गोरखनाथ की तपोभूमि है, यहाँ से कभी वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री रहे, आज माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और एक मछुआरे के बेटे को चाहते हैं कि 2022 में भारतीय जनता, हम तो हमारी पार्टी ने हमें तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हमारे लोग हजारों लाखों कार्यकर्ता जा रहे हैं जेल काट रहे हैं। उनका सलाह है भारतीय जनता पार्टी को कि मित्र के नाते दुख सुख में साथ आते हैं। राम ने कभी निषाद राज को, निषाद राज ने राम को सेना दी थी, लंका पर विजय प्राप्त किया था, वही सेना आज भारतीय जनता पार्टी को देकर हम लोगों ने मोदी जी को उठा गद्दी बैठाया। 40 सीटें हम लोगों ने जीत कर, सारे सांसद कहते हैं कि डॉक्टर संजय ने जीत दिलाई है, चाहे यहाँ रवि किशन हो, चाहे सारे 40 सांसद आवाज़ उठाते हैं कि निषाद वोट देकर हमें सांसद बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव लड़े तो आसानी से जीत हासिल हो जाएगा, हम लोग उन्हें फिर से दोबारा मोदी जी योगी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं। पिछली सरकारों को 70 साल से हम लोगों ने देखा है, सभी ने सताया कानून बनाकर, किसी ने इनको कुछ नहीं किया, ठगा है। भारतीय जनता पार्टी को आगाह करने के लिए अभी हम केंद्रीय नेतृत्व से इनकी वकालत करके आए कि भाई बहुत नेता हुए, निषाद समाज में किसी ने
दिल्ली तक वकालत करने का अवसर नहीं दिया। जो भी आवाज उठाता था पिछली सरकारें उन्हें मार देती थी, चाहे माननीय जमुना निषाद हो चाहे फूलन देवी हो। हमारे दर्जनों नेताओं की हत्या हो गई, कोई जांच नहीं हुआ। इसलिए हमारा समाज अब कफन बांधकर डॉक्टर संजय के साथ वकालत करने के लिए दिल्ली भेजा और वो वकालत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त कर दिया, सार्थक वार्ता हो गई माननीय योगी आदित्यनाथ से भी, दिल्ली से भी, कि आपके आपके जितने भी मांग हैं जो आपके हैं भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था जल्दी पूरा हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मेरा समाज नाराज हो गया, कांग्रेस गायब हो गई, 2014 में आए, अब हाथी और पंजा जो है साफ हो गई और सपा जो हाफ हो गई और आपको माफ़ कर दिया था। लेकिन आज अपने वादे को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था वो वादा गांव-गांव माननीय योगी आदित्यनाथ का जो बयान है कि हम आरक्षण हम देंगे तो दिल्ली आपकी सरकार है, तो हमारे समाज के ऊपर एक गलत मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती जरूर करती है, जैसे 370 है, मंदिर है, लेकिन हमारा जो निषादों का मुद्दा है वो नहीं कर रही, इसलिए गुस्से में आ गए, त्रिस्तरीय चुनाव में अलग हो गए, चौथे नंबर पर आ गए। मैं चाहता हूँ कि निषादों को दुख देकर सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें सुखी देखिए। इनका जो आरक्षण का मुद्दा है, निषादों का भला केवल आरक्षण से हो सकता है। भाई वो बड़े भाई हैं, बड़ी पार्टी है, हम तो छोटे दल अभी हैं। हम लोग तो हमारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दल बना हुआ है। तेली बड़े लोहार कहाँ पारगड़ी, जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं गांव में, जो परेशान हैं, सही बात बताने गया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कुछ घुसपैठिए हैं जो बाहर से घुस के आए हैं, जो आपको गलत सूचना दे के नुकसान पहुँचा दिया। मैं नहीं चाहता 2022 में नुकसान हो जाए। आप अपने तंत्र से सर्वे करा लीजिए कि निषादों का वोट आपके साथ डॉक्टर संजय के साथ जुड़ा है, निषाद पार्टी के साथ जुड़ा है। पहले वोट ये पॉकेट में था, ये नेता झूठ बोलते हैं कि हमारे पॉकेट में है, पार्टी में है। इसी निश्चित रूप से उन्होंने सहमति जताई है कि आपके जितने मुद्दे हैं वो हल होंगे और अति आवश्यक जल्दी जल्दी उस पर काम शुरू हो गया। इनके मुकदमे वापसी के लिए फाइल मंगाना शुरू कर दिया, इनके जो तालघाट नदी के उस पर। मेरे समाज का सलाह है, जब मैं वहाँ दिल्ली से आया और गांव में गया प्रवास पर, मैं एक महीने के प्रवास पर हूँ, प्रवास के बाद घाने पर गांव वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब धन्यवाद है, कम से कम सार्थक परिणाम के लिए आपके इस मुद्दे को दिल्ली में रख दिया और अब हल होने का जो सिस्टम चल रहा है, 2022 चुनाव है, 70 साल हमने सबको दे दिया। तो उन्होंने कहा, सलाह दिया कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से पूर्ण बहुमत में तभी आएगी जब निषाद के बेटे को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री। देखो भाई, आज के दिन में 160 सीट निषाद बाहुल है, कोई विधानसभा नहीं, शहर जो है नदी में बसा हुआ है, नदियों किनारे हमारी जमीनें थी, पिछली सरकारों ने इन्हें छीन लिया निषादों का, इनका नाम पिछड़ी में जात के छीन लिया। हम कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जो उसमें 15 से 20 हज़ार वोट मिला रहे हैं। 160 सीट निषाद बाहुल है, 7 नदियां हैं, 1000 झीले हैं, हर गांव में पोखरे हैं। हम जो है 70 सीट ऐसे हैं जो 70,000 से ऊपर हैं। आप गोरखपुर देख सकते हैं, निश्चित रूप से अगर उन्हें भला भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि भाई आरक्षण देने से भला है, अगर नहीं भला होगा तो न दें, तो पता चल जाएगा। मैं कहता हूं उन्हें लगता है डॉक्टर संजय का चेहरा बनाने से हमें 2022 में भला, अगर नुकसान होता तो न करें भला, आखिर पार्टी शायद मेरे को हमारा मुद्दा देखो हमारे आरक्षण का है, हमारे समाज के हक हिस्से का है, हम पद प्रतिष्ठा का नहीं है। हमारा पहला कि समाज जो संविधान में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन रखा है कि केवल मल्ला मझवार है वो हमें मिलना चाहिए, हमारा नाम पिछड़ी में डाला वो काट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक लेटर लिखा है, उत्तराखंड में एक लेटर भेजा भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, वैसे ही लेटर एक जो भेजना है ये मझवार जाति ने जातियों का समूह, उसके अंदर केवट मल्ला है। देखो भाई, हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए बनी है, डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बनी है, वो अपना हमारे लोग मिशन काम कर रहे हैं, बूथ गठन है हमारा, हमारे लोग सिस्टम से पॉलिटिकल फाइटर गांव में बन रहे हैं। उसका परिणाम रहा है कि 2017 में चुनाव एक विधायक मेरा और 72 सीटों पर हम लोग कई सीटों पर रनर रहे, उसका परिणाम गोरखपुर का उपचुनाव रहा जो है 2018 का, गोरखपुरपुर कैरा नूरपुर रहा, उसका चुनाव हमारे वोट बैंक का रहा असर कि हम मोदी जी के साथ खड़े हो गए, सपा बसपा एक हो गई, एक वोट बैंक रहा, दो सरकारों का वोट, लेकिन फिर भी वो हार गए और मोदी जी जीत गए। तो आज मेरा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण नहीं मिलता है आपको क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी पक्का देगी, सब करेगी, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, उन्हें जीत चाहिए, जीत चाहिए सत्ता के लिए। हमारे आरक्षण देने से भारतीय जनता पार्टी कोई नुकसान नहीं है, हम लोगों को सीट देने से भारतीय जनता पार्टी को तब लाया तो था, लेकिन त्रिस्तरीय चुनाव में कौन दशा हो गया बीजेपी का, मैं तो वही कहता हूँ और ला ले दो चार ठो
कहीं और अगल बगल प्रदेश से बुला ले, जितने इसमें निषादों को तोड़फोड़ करने में कोई पार्टी लगेगी। तो जो हाल कांग्रेस का हुआ, मेरा समाज गुस्से में आया, ये दलाल हैं और ये बर्बाद करते हैं, तो कांग्रेस को छूना बंद कर दिया, वो मटन खत्म हो गए। सपा बसपा भी भर्ती करती रही, निषादों को कुर्ता पाना पाना के वोट लेती रही, लेकिन इनके अधिकारों पर विचार नहीं करती रही। तो पता चला कि वही दशा भारतीय जनता पार्टी भी भर्ती करेगी कहीं से, तो उनका भी दशा भी उपचुनाव में हुआ, कहीं आगे भी नहीं हो जाए, ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी। हम कहते हैं आज देखो, वो बड़े भाई हैं, मैंने कहा है हम अंतिम तक आपके दरवाजे पर रहेंगे। हम तो तब भी मित्र हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन मेरा समाज आपसे दूर हो रहा है, इसको सोचिए। आपने जो वादा किया था उसे पूरा करिए। निषाद भाजपा का बटन दबाना बंद कर दिया है, इसलिए त्रिस्तरीय चुनाव हार गए हैं आप 2022 में। हम चाहते हैं कि जो जो सही बात है उसे मानिए, अपने स्तर से सर्वे कराए, काम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 70 साल मैंने सभी ठगों को दिया है, हम तो 70 महीने भी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम तो 2 साल से है। जवाब तो 70 साल से हमारा समय खाने वालों का चाहिए ना। आज के दिन में हमने कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मैंने समय न दिया हो, और सभी पार्टियों को समय दिया है। अभी हम समय दूंगा, अभी 6 महीना 7 महीना बहुत है। 24 घंटे में 10% आरक्षण लिखा गया था, हमारा तो लिखा है ना, एक लेटर जारी हो रहा, काम चल रहा, पक्का आएगा, हमें विश्वास है, हमारे समाज को विश्वास है, बाकी किसी के साथ नहीं। दिल्ली और यहाँ उनकी सरकार है, पक्का दे देगी, पक्का देगी, पक्का मिलेगा।